डियर स्टूडेंट्स, मैं हांस संजीव कुमार KVM एजुकेशन चैनल तो। बच्चे, जो पेपर आज मैं लेके आया हाँ वो है क्लास पांच का, यानी फिफ्थ क्लास का पेपर है, पंजवीं क्लास का पेपर है। ये सैंपल पेपर है 23-24 का, जो कि थोनों बोर्ड के वालों रिकमेंडेड है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ने रिकमेंड किया है पेपर भी इस तरह का ही पेपर आएगा। कई बार तो सेम इस तरह का ही पेपर आ जाता है, यही पेपर आ जाता है थोड़ी मोटी चेंज करके, तो इस जरूर करके जाना, बिल्कुल मिस नहीं करना, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट है। ठीक है बच्चे, सब तो पहला की होंगे इनू मैं सोल्व करके दिखावगा, तो जो इन्ना इंपोर्टेंट पेपर है भी तुम इन करके ही जाना है, तो कोई गलती नहीं करनी, पूरे वटा पूरे नंबर आने चाहिए जे तुम ये पेपर आ गया। तो बच्चे, सब तो पहला पैरा होंगे एक, जिन्हों कहने रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैरा है गया, मिल्खा सिंह आलसो वन गोल्ड मैडल इन एशियन गेम्स हैल्ड इन टोक्यो। ठीक है, तुम इंपोर्टेंट जोड़े वर्ड होंगे उन्होंने अंडरलाइन कर लिया करो, कि गल चल रही है मिल्खा सिंह की, की जितया गोल्ड मैडल जितया कि गेम एशियन गेम्स हैल्ड इन टोक्यो, कितने हुई सी टोक्यो, बीटिंग द पाकिस्तानी रनर अब्दुल खालिक जो कि पाकिस्तानी से उन्होंने हराया। ही वॉज इनवाइटड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, किने इनवाइट किया, पाकिस्तान के प्रेजिडेंट ने। ठीक है, इनवाइटड प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बिकॉज वो नहीं जाना चाहता सी, क्योंकि ऑफ द बिटर मैमरी से पार्टीशन ने, जो भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए है, पार्टीशन हुई है, तो वह ज्यादा वो दिमाग भी सी, ताज नहीं जाना चाहता सी। एट लास्ट ही पंडित जवाहर लाल नहरू कन्विंस्ड हिम टू गो, पंडित जवाहर लाल नहरू ने उसको मनाया जान दे। ठीक है जी, तो कि वर्ड है मिल्खा सिंह की गल है, गोल्ड मैडल जितया एशियन गेम्स के टोक्यो हुई सी, पाकिस्तानी रनर अब्दुल खालिक नू उसने हराया सी, उसनू प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनवाइट किया, जाना नहीं चाहता सी, तो की सी जवाहर लाल नहरू ने कन्विंस किया। बन गया ना ऐसे जहाँ, हूँ आप क्वेश्चन से जाने हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं जे आप पैरा अच्छी तरह किया हो, टाइम वेस्ट नहीं होता बच्चे। इन विच गेम डिड मिल्खा सिंह विन गोल्ड मैडल, गोल्ड मैडल कि गेम जितया से उसने, देखो रनर रनिंग जितया सी, अच्छा नेशनल गेम एशियन गेम्स ओलंपिक गेम वीडियो गेम्स, तो कि जितया सी एशियन गेम्स जितया सी। ठीक है, तो आप अंडरलाइन किया हो, तो अपन पता ही है भी एशियन गेम्स से। हू इनवाइटड मिल्खा सिंह, किने इनवाइट किया, इनवाइटड आ गया ना, किने किया, बाय प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हू कन्विंस्ड हिम टू गो टू पाकिस्तान, देखो कन्विंस्ड कितने आया सी वर्ड, कन्विंस्ड इतने आया सी जवाहर लाल नहरू कन्विंस्ड, तो किने कन्विंस किया, जवाहर लाल नहरू ने, पंडित जवाहर लाल नहरू, पंडित जवाहर लाल नहरू। प्लूरल ऑफ मैडल इज, मैडल द प्लूरल की है मैडल्स। एट लास्ट पंडित जवाहर लाल नहरू कन्विंस्ड हिम टू गो, हेयर हिम, हिम किसन कन्विंस किया, मिल्खा सिंह भी तू पाकिस्तान जा। देखो बच्चे, वो सैक्शन ए सी आ गया सैक्शन बी, ये है रीड एंड आंसर, ये भी आप रीड करना, इन आंसर देना। देखो की है, जू है, चिड़ियाघर है, सिटी, कम एंड इंजॉय मंडे टू सैचरडे 9 तो लैके 8:30 तक है, संडे नू क्लोज है। हुण क्वेश्चन सर है, ऑन विच डे विल द जू रिमेन क्लोज, क्लोज कदों है, संडे, संडे। एट वट टाइम विल द जू ओपन, किन्ने बजे ओपन होगा, थर्सडे नू, सारे दिनों नू 9 बजे ओपन होंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे 9 o'clock, 9 AM। फॉर हाउ मैनी डेज विल द जू रिमेन ओपन, किन्ने ओपन रहता है, देखो 7 दिन होंगे, 1 दिन क्लोज हो गया, 6 दिन ओपन रहेगा, 6 days। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टार्स आर शाइनिंग डैश द स्काई, कितने स्काई कर इन द स्काई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ऑपोजिट ऑफ होल, होल मैंने होंगे सारे का सारा, इज ओपोजिट, होल हों सारा, ऑल भी सारा, कंप्लीट भी सारा, पार्ट मैंने हूँ कुछ भाग। चूज अ नेम फॉर बेबी, फॉर अ काउ, काउ दे बेबी नू की कहें, पहले तो तुम दिमाग च लगाओ, काउ दे बेबी नू कहें काफ, तो आप या काफ, राइट सी आंसर। चूज द ओड वन आउट, इन्हें चो अलग कटना है, केड़ा ओड है,
रेनी सीजन होंदा, आटम सीजन होंदा, समर सीजन होंदा, कोल्ड सीजन नहीं होंदा, राइट। तो ये अलग है। चूज अ वर्ड वेयर लैटर एल इज नॉट साइलेंट। एल साइलेंट नहीं बोलता है, देखो कितने बोलता है, पाम, हाफ, वॉक, क्लाइंब, इसके विच बोल दी एल, क्लाइंब। चूज अ इनकोरेक्ट पेयर, सन सन, आवर आवर, सम सेम, सिनोनिम्स है, टेल टेल। देखो सम सेम इनकोरेक्ट वर्ड, देखो ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सन सन, आर आर, टेल टेल, परंतु ये सम है वो सेम है। चूज अ इनकोरेक्ट स्टेटमेंट नू चूज करना बच्चे, तुसी ही वॉज गोइंग विद हिज फादर, वो अपने पिता नाल जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर वेरी बिजी, आई वर, आई नाल वर नहीं लगता बच्चे, बाज लगता है, ठीक है। चूज द इनकोरैक्ट ऑप्शन फॉर नाउन, नाउन के लिए इनकोरैक्ट ऑप्शन देखनी है, बिलेज प्लेयर, हैप्पी पौंड। देखो बिलेज पिंड का नाम हो सकता है, पौंड भी एक नाउन हो सकता है, हैप्पी भी नाउन हो सकता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, प्लेयर नाउन हो सकता है, हैप्पी है जरा बज, हैप्पी हैप्पी खुश होना, यह वर्ब होगी। तो ये वर्ड है जरा हैप्पी, ये आप कह सकते। चूज द इनकोरैक्ट ऑप्शन डैश इन द करैक्ट ऑप्शन, ठीक ऑप्शन चुननी है, डैश वर थिंकिंग वर, मैंने ज़्यादा बाज हूँ तो एक अगे लगता वर है तो प्लूर लगेगा, अबाउट द प्रॉब्लम, दे वर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, दुई वर थिंक, देखो ही नहीं आ सकता शी नहीं, ये सिंगुलर हो गए वर ना लग नहीं सकते, दैम तो वी, दैम पिछे लगता हूँ वी आ गया, वी वर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, असी प्रॉब्लम बारे सोच रहे सी। चूज द इनकोरैक्ट ऑप्शन, दसने इनकोरैक्ट ऑप्शन केड़ी है, द नहीं लगता जी, अगे देखो जिहड़ी चीज़ इको ही है दुनिया के, जिमें सन मून अर्थ स्काई, इन अगे द लगेगा, लेक अगे नहीं लगेगा बच्चे, तो इनकोरैक्ट ऑप्शन की है, लेक, क्योंकि लेक बहुत हो सकती है, मान के चलो सुखना लेक होगी, ठीक है, भुलर लेक होगी, तो ये स्पैसिफिक नहीं है, अस्पैसिफिक हो गए सारे। चूज द इन चूज द करैक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, द आइडिया लाइक द वोमेन, द वोमेन द आइडिया लाइकड, द लाइकड वोमेन द आइडिया, करैक्ट दसना कि द वोमेन लाइक द आइडिया, दिस इज द करैक्ट स्टेटमेंट। चूज द करैक्ट ऑप्शन, अ सिल्क क्लोथ इज डैश दैन अ कॉटन क्लोथ, अ सिल्क क्लोथ इज सॉफ्टर, क्योंकि जे दो दे विच होवे बच्चे कंपैरिजन तो सैकेंड डिग्री लगती है, सॉफ्टर लगेगा, वैसे ही दैन लग्या है तो सैकेंड डिग्री ही लगानी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो बच्चे ये तुहाडी बुक दा, ये तुसी अपने आप करने हैं, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द स्काई, स्काई दे विच बच्चे ने की देखा, मे बी स्टार्स देखे होंगे, हू लाइक द टाल बिल्डिंग्स, टाल बिल्डिंग टू फ्रॉग्स दे विच है, हाउ ओल्ड वाज सोनिया, किन्नी उम्र दी सी, व्हाट इज द बैंक, बैंक की है, व्हाट डिड द मैन मेक फॉर देम, व्हेन वाज बीरबल बोर्न, ये क्वेश्चन आंसर है, ये अपने आप करने हैं, तुसी राइट द नेम्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस दे नाम्स ने, ठीक है, कोई भी पब्लिक प्लेसेस दे नाम दस दो, जिमें रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, इस टाइप, ठीक है, थोड़ी कॉप बुक दे क्वेश्चन है, मेक सेंटेंस है, ये भी बुक दे है, मेक सेंटेंस, राइट टू सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर, सेंटेंस है, कोई भी दो है, ठीक है। अ बॉय इज कमिंग विद हिज पेरेंट्स, बॉय अपने माँ बाप नाल आ रहा है, द बॉय इज कमिंग, अ बॉय इज कमिंग विद हिज पेरेंट्स, अ बॉय इज सैलिंग आइसक्रीम्स, ठीक है, इनू तुसी लिख सकते हो, अ बॉय इज ईटिंग आइसक्रीम, अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स बिल्डिंग, ठीक है, इस तरह दो कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, माई ग्रैंड मदर द ऐसे है बच्चे, माई ग्रैंड मदरस नेम इज, देखो नाम ही हो सकता है ना, इज कोई भी नाम लिख दो, क्योंकि केयरिंग लव स्टोरीज वेरी 65, माई ग्रैंड मदरस नेम इज कोई भी आर ए बी सी, रीना रीटा कुछ भी लिख सकते हो, इज रीना, she is dash years old, she is 65 years old, she tells me stories, she is very caring,
I dash her much. I love her very much. Right? गुड हैंड राइटिंग च करना बच्चे थोड़े को बहुत टाइम पिया होंगे सोहनी सोहनी हैंड राइटिंग च करना है। वैसे भी किसी व्यक्ति का पता उसकी हैंड राइटिंग तो लगता है, अपनी हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन कराया करो, हर एक अक्षर थोड़ा लिजिबल हो, पढ़न योग होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नैक्सट वीडियो के अगले सब्जैक्ट के नाल, जो कि थोड़े लिए बोर्ड की साइट पर पाया होया है, उन्होंने आप सोल्व करा तो मिस नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो, सबसक्राइब करके जरूर जाना है। बाय।